नमस्कार, रेखा सिंह खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पोहा। चलिए शुरू करते हैं। हम पैन में पहले थोड़ा सा तेल डालेंगे। हमने कुछ मूंगफली ली है, पहले हम इस मूंगफली को भून लेंगे। मूंगफली को भूनकर हम अलग निकाल लेंगे, इनको फिर पोहे में बाद में डालेंगे। हमारी मूंगफली भून चुकी है, हम इसको निकाल लेते हैं। हम पैन में अभी थोड़ा तेल और डालेंगे। जब तक हमारा तेल गर्म होता है तब तक हम अपना पोहा धो लेते हैं। ये मैंने लगभग 200 ग्राम पोहा लिया है। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक चम्मच सरसों डाल देंगे। मैंने दो हरी मिर्ची को बारीक काट लिया है, इनको डाल देंगे। एक बड़ा प्याज जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है और 12 से 15 कड़ी पत्ते। हमें प्याज को सिर्फ कलर चेंज होने तक पकाना है। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, आधा से कम लाल मिर्ची, क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी डाली है। नमक स्वाद अनुसार। जो हमने मूंगफली तली थी वो डाल देंगे। अब हम पोहा डाल देंगे। अब इन सबको हम अच्छी तरह मिलाएंगे। अब हम पोहे में एक नींबू का रस डाल देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे पोहे में एक चम्मच चीनी। इसको मिक्स करेंगे। मिर्ची का तीखापन, नींबू का खट्टापन और चीनी की मिठास, इससे पोहे का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। अब हम हरा धनिया डाल देंगे। हमारा पोहा बन चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब हम अपने पोहे को सर्व करेंगे। हमारा पोहा तैयार है।